IAS इंटरव्यू में पूछा, भारतीय तिरंगा किस व्यक्ति ने बनाया था? इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल इंटरनेट पर हर जगह IAS के सवाल छाए हुए हैं और लोग इसमें काफी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब सवाल इतने दिलचस्प होंगे तो कोई भी इन्हें पढ़ना चाहेगा। हालांकि इंटरव्यू के दौरान जब ये सवाल कैंडिडेट से पूछे जाते हैं तो उसकी क्या हालत होती होगी, ये केवल वही जानता है। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग गर्म हो सकता है, लेकिन उन सवालों का जवाब कुछ कैंडिडेट ने बड़ी अदब के साथ दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो तेरे सवाल कौन से हैं और उनका सटीक जवाब क्या है, जिन्हें पढ़कर आप ही हैरान रह जाएंगे। 1. सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? उत्तर 8 मिनट 16.6 सेकंड। 2. पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? उत्तर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। 3. वास्को डिगामा भारत कब आया? उत्तर 1498 में। 4. ताजमहल की डिजाइन किस व्यक्ति ने बनाई थी? जवाब उस्ताद ईसा ने। 5. हुमायूं नामक किसकी रचना है? उत्तर गुलबदन बेगम। 6. शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया? उत्तर शेरशाह। 7. आखिर मैनहोल का ढक्कन गोल ही क्यों होता है? जवाब, यदि मैनहोल चौकोर होता तो चौकोर ढक्कन होने के कारण इसके अंदर आसानी से कोई भी वाहन या कोई भी वस्तु गिर सकती है, लेकिन गोल ढक्कन में यह होना थोड़ा मुश्किल है, इसी वजह से मैनहोल का ढक्कन हमेशा गोल रखा जाता है। 8. भारतीय तिरंगा किस व्यक्ति ने बनाया था? उत्तर पिंगली वेंकैया। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।